स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ पराग गुप्ता। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। एमपी विधानसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित हो गई है, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। कल तक के लिए मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई है। उमा भारती के पत्थर मामले को लेकर विपक्ष ने हंगामा किया है, हंगामे के बाद विधानसभा की कार्यवाही स्थगित हुई है, ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। कल सुबह 11 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित हो गई है। उमा भारती के पत्थर मामले को लेकर विपक्ष ने हंगामा किया है, ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त आपको बता रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित हो गई है। तो बिजली बिल पर सीएम शिवराज ने बड़ा ऐलान किया है, 88 लाख बिजली उपभोक्ताओं का बिल माफ होगा, इस बात का ऐलान विधानसभा में सीएम ने किया। विधायक निधि 2 से 3 करोड़ कर दी जाएगी, इसके साथ ही डिफॉल्टर किसानों के कर्ज का ब्याज सरकार भरेगी। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना धूमधाम से की जाएगी और पुलिस भर्ती में महिलाओं को 30% आरक्षण भी मिलेगा, इस बात का जिक्र भी सीएम ने किया। लाडली लक्ष्मी 2 जल्द ही शुरू होगी, राज्य सरकार 27% ओबीसी आरक्षण दिलाकर दम लेगी। भोपाल में हाल ही संदिग्ध आतंकी पकड़े गए हैं, चिटफंड घोटाले वालों से राशि वसूल कर लोगों को लौटा रहे हैं। बिजली बिल पर भी सीएम ने बड़ा ऐलान किया है। तो ये बड़ी बातें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आपको बता रहे हैं, जो उन्होंने विधानसभा के अंदर ऐलान किए हैं, और इसके साथ ही कल तक के लिए कार्यवाही स्थगित हो गई है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। विधानसभा की कार्यवाही को लेकर ये अपडेट। ब्रजेश जैन हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़ गए संवाददाता इस खबर पर। ब्रजेश, क्या कुछ अपडेट है, बड़े ऐलान मुख्यमंत्री ने किए हैं, इसके साथ ही उमा भारती के पत्थर वाले मामले को लेकर भी विपक्ष ने हंगामा किया है और कल तक के लिए कार्यवाही स्थगित हुई है। ब्रजेश, और क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल, देखिए राज्यपाल के अभिभाषण पर मुख्यमंत्री का जवाब था और मुख्यमंत्री अपना वक्तव्य दे रहे थे विधानसभा में। इस दौरान उन्होंने पराग कई घोषणाओं का ऐलान किया है, कई राहत जो है कह सकते हैं प्रदेशवासियों को दी हैं। क्षमा चाहूंगा, उन्होंने पराग कहा है कि मध्य प्रदेश में कोरोना काल की पहली लहर के दौरान जो 4 महीनों का बिजली बिल बकाया था, जिसकी वसूली स्थगित की गई थी, वो बिल जो है वो माफ किया गया है। लगभग 41 लाख उपभोक्ताओं का बिल माफ किया गया है पराग। इसके अलावा किसानों का जो कर्ज माफी के लिए इंतजार कर रहे किसानों ने बाद में कर्ज जमा नहीं किया था और वो बैंक और सोसाइटीज के डिफॉल्टर हो गए थे, उनके कर्ज की ब्याज की राशि इस ड्यूरेशन की भी सरकार भरेगी। तो ये 2 बड़े ऐलान किए हैं। इसके अलावा कई पुरानी योजनाएं हैं जो नए कलेवर में सरकार लाने वाली है, जैसे मुख्यमंत्री कन्यादान योजना है और इसके अलावा लाडली लक्ष्मी पार्ट 2 की शुरुआत होने वाली है, उसकी भी जानकारी मुख्यमंत्री ने आज विधानसभा में दी थी। कुल मिलाकर कई नई स्कीम्स और योजनाओं का ऐलान यहाँ मुख्यमंत्री ने किया है और इसके अलावा लगभग 60 लाख उपभोक्ताओं को और कह सकते हैं कि 12 लाख किसानों को बड़ी राहत सीएम ने यहाँ पर दी है। लेकिन ब्रजेश, ये बताइए कि विपक्ष ने जो हंगामा किया उसको लेकर क्या कुछ विपक्ष की मांग थी, विपक्ष क्या कुछ कहना चाह रहा था, जमकर हंगामा उमा भारती वाले प्रकरण को लेकर हुआ, इस पर सरकार की ओर से क्या कुछ जवाब दिया गया? बिल्कुल, देखिए कल जिस तरह से भोपाल के बरखेड़ी इलाके में उमा भारती ने एक शराब की दुकान में पत्थर मारा था, उसके बाद आज विधानसभा में लगातार हंगामा चलता रहा। पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग जो था विपक्ष वो करता रहा। कई नेता विपक्ष के जो थे वो ये भी कहते, देखिए पराग, आके वे उमा भारती ने ठीक किया है, उमा भारती जो है वो सरकार की स्कीम्स का विरोध कर रही हैं और इसलिए मध्य प्रदेश में सरकार को शराब बंदी करनी चाहिए, इसकी मांग को लेकर समर्थन भी देखा गया और विरोध भी देखा गया। कुल मिलाकर उमा भारती के मुद्दे पर लगातार विपक्ष हंगामा करता रहा और यही वजह रही कि इस हंगामे के बाद आखिरकार विधानसभा की आज की जो कार्रवाई होनी थी आगे की वो पोस्टपोन कर दी गई है और कल से अब विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका ब्रजेश जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।